हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं 2-प्लाई के ऊन से बनाई हूँ और वाइट कलर से पूरे तोरण को मैं वाइट कलर से बुनी हूँ। आप अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं इसे। और फ्रेंड्स, मैं इस तोरण पट्टी को पहले ही वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप उस वीडियो को देखकर बुन सकती हैं इस डिज़ाइन को। और इस तोरण पट्टी को मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप लोग बहुत ही इजीली बना सकती हैं इस तोरण को। इस वीडियो में मैं तोरण को बुन कर दिखाई हूँ कि ये पूरे तोरण को मैं कैसे बनाकर बता रही हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसे बुन कर बताई हूँ। आप बहुत ही ईजीली इस तोरण को बुन सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 6 चेन बना रही हूँ। 6 चेन बनाकर और सबसे पहले वाले जो चेन बनाई थी उसमें मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी और गोल में एक सर्कल तैयार कर ली। अब मैं 4 चेन फिर से बनाकर और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर 3 बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए, ये 3 बन गया। अब यहाँ पर 1, 2, 2 चेन बनाकर और फिर से 3 बार मैं डबल क्रोशिया यहाँ पर देखिए फिर से बना रही हूँ। देखिए, 3 बार मैं डबल क्रोशिया फिर से बना ली। फिर से 2 चेन, 1, 2 और 3 चेन यहाँ पर बीच में मैं डिजाइन निकालने के लिए दे रही हूँ। तो फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ और 2 चेन, 1, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए, 3 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली। एक लाइन को मैं कंप्लीट कर ली सबसे पहले लाइन को। अब मैं फिर से दूसरे लाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से दूसरे लाइन को 1, 2, 3 चेन बनाकर और बीच में सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से लॉक कर दी। अब मैं 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर और फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना रही हूँ। देखिए, 3 हो गया है। 1, 2 चेन बनाकर फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना रही हूँ। देखिए, एक बार और डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर 1 चेन बनाकर और 3 मैं चेन बनाई थी उसके बीच में मैं 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर निकाल रही हूँ। यहाँ से मैं डिजाइन निकालूंगी बीच में से। तो यहाँ पे देखिए, 1 डबल क्रोशिया बनाकर 1 चेन बनाकर फिर से 6 डबल क्रोशिया, 3 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन मैं बना रही हूँ। तो 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, एक दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं तीसरे लाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से अब मैं दूसरे लाइन को 1, 2, 3 चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर लॉक कर दे रही हूँ। और मैं देखिए यहाँ पर आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब बीच में मैं एक नॉक बना दी हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं डिजाइन निकालूंगी। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मैं 11 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं 11 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, 11 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब मैं 1 चेन और फिर से यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ। 3 डबल क्रोशिया पहले, उसके बाद 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से देखिए, मैं लाइन को कंप्लीट कर ली। और दूसरे लाइन में पहले मैं 6 डबल क्रोशिया बनाकर और 1 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पर मैं 11 डबल क्रोशिया बनाई थी डिजाइन में। तो अब मैं 1 घटाकर 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट कर ली। देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर मैं 10 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट कर ली और दोनों तरफ 6 6 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट की हूँ। अब मैं फिर से 1 2 3 चेन बनाकर लॉक कर दे रही हूँ और फिर से 4 चेन, ये मैं 6 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो ये पहले वाला मैं कंप्लीट कर ली 6 डबल कुर्सियाँ। अब मैं 1 और 1 चेन बनाकर, यहाँ पर आप अपने हिसाब से 1 चेन या 2 चेन भी दे सकती हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अब मैं 10 बना है तो यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर इस तरीके से 1 2, अब 9, जहाँ पे 9 बनाना है हम लोगों का डबल कुर्सियाँ, वहाँ से फिर से मैं किनारे से डिजाइन, फिर दूसरे डिजाइन को निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर 3 डबल कुर्सियाँ, फिर से 2 चेन, 3 डबल कुर्सियाँ और फिर देखिए 3 और फिर से 2 चेन, फिर से 2 चेन और फिर से 3 डबल कुर्सियाँ। 3 बार मैं डबल कुर्सियाँ बनाई हूँ। यहाँ पे मैं डिजाइन को फिर से निकाल रही हूँ, आगे बढ़ता जाएगा डिजाइन। तो यहाँ पे और बीच में मैं 9 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट करूँगी। देखिए 3 डबल कुर्सियाँ यहाँ पे मैं कंप्लीट की हूँ और देखिए यहाँ पर 1 चेन, 2 चेन मैं यहाँ पर बनाई हूँ और बीच में यहाँ पर मैं 10 बना था डबल कुर्सियाँ, तो इस बार 9 डबल कुर्सियाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये डिजाइन बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैं इतना बुन ली, देखिए दोनों तरफ 3 3 यहाँ पे डिजाइन निकालूंगी और यहाँ पर 9 मैं डबल कुर्सियाँ कंप्लीट की हूँ और यहाँ पर 3 देखिए बनाई हूँ। यहाँ से मैं डिजाइन को निकाल रही हूँ तो देखिए आगे बुनकर अब दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 चेन बनाकर और किनारे पे लॉक कर दे रही हूँ सिंगल कुर्सिया से। अब 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 6 डबल कुर्सियाँ, 3 3 डबल कुर्सियाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ देखिए इस तरीके से, और बीच में 3 चेन और फिर से 6 डबल कुर्सियाँ दोनों तरफ 2 और बीच में यहाँ से डिजाइन निकलेगा। तो यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पे 9 बना था तो 7 मैं डबल कुर्सियाँ बनाऊंगी, तो 8 नहीं बनाऊंगी, 7 2 घटा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर 1, ये 2, यहाँ पे मैं 7 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो ये दूसरा डबल कुर्सियाँ है। इसी तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये बीच में ये डिजाइन निकालने के लिए मैं बना दी हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे फिर से मैं डिजाइन को निकाल कर दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 चेन बनाकर पहले मैं लॉक कर रही हूँ यहाँ पे और पहले 6 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट कर रही हूँ। तो 4 चेन बनाकर पहले 3 डबल कुर्सियाँ, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल कुर्सियाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो 3 डबल कुर्सियाँ, 2 चेन यहाँ पर, 1 2 और फिर से 3 डबल कुर्सियाँ, देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर ली 6 डबल कुर्सियाँ। और यहाँ पर देखिए बीच में 1 2 चेन बनाकर और देखिए 3 चेन बनाई थी, यहीं से बीच में वाले में एक मैं डबल कुर्सियाँ कंप्लीट करके 2 चेन और फिर से 6 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 डबल कुर्सियाँ मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, देखिए 1 2 और फिर से 3 डबल कुर्सियाँ। तो देखिए मैं इतना मैं डिजाइन को निकाल कर दिखा दी। अब मैं आगे यहाँ पर 7 बना था तो अब मैं यहाँ पर 5 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए 7 यहाँ पर मैं बनाई हूँ, आप देख सकती हैं। तो मैं यहाँ पर 5 बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैं 5 डबल कुर्सियाँ कंप्लीट कर रही हूँ और कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। 2, ये 3, 4, 5, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब 1 2,
देखिए यहाँ पर इसी तरीके से डिजाइन को मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए दोनों तरफ मैं डिजाइन को निकाल ली हूँ। अब मैं आगे बुन कर दिखा रही हूँ, 3 चेन फिर से लॉक कर दे रही हूँ और 4 चेन बनाकर और 6 डबल क्रोशिया मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली और मैं बीच में यहाँ पे 2 चेन बनाकर और 1 डबल क्रोशिया फिर 1 2 3 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं एक नोक बना दी। अब 1 2 अब मैं फिर से 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया फिर से कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। देखिए एक डिजाइन के बेस तैयार हो गया, यहाँ पे एक डिजाइन निकलेगा और इस तरफ भी उसी तरह से मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चेन अब मैं 5 यहाँ पे बनाए थे डबल क्रोशिया तो 3 बनेगा। तो देखिए इस तरीके से पहले यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दी हूँ। अब मैं 2 चेन बनाकर देखिए पूरा देखिए कंप्लीट कर दी। अब दोनों तरफ एक एक डिजाइन निकलेगा। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दी। अब मैं यहाँ पर 2 चेन बनाकर और यहाँ पर पहले जिस तरह 11 मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट की थी उसी तरीके से यहाँ पर भी 11 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर जिस तरह बनाई थी तो अब मैं यहाँ पर देखिए 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दी। अब मैं 2 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए कंप्लीट हो गया पूरे लाइन। अब मैं यहाँ पर देखिए 2 चेन बनाकर और 3 बनाई थी बीच में डबल क्रोशिया तो यहाँ पर 1 बना रही हूँ और 2 चेन और देखिए यहाँ पर फिर से 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से पूरे लाइन को मैं कंप्लीट करके इधर भी दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरा लाइन देखिए इधर भी 11 बना ली डिजाइन, दोनों तरफ एक एक डिजाइन निकाल ली। अब मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन को मैं 10 बार कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए 2 चेन बनाकर और फिर से 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली। और 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन और देखिए यहाँ पर 11 मैं बनाई थी तो यहाँ पर 10 मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया। पहले जिस तरह मैं कंप्लीट की थी उसी तरीके से सेम मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से तो फिर से मैं देखिए 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हूँ। अब 2 चेन बनाकर और देखिए यहाँ से फिर से डिजाइन निकलेगा तो 2 चेन बनाकर और देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो 9 जहाँ पे बन रहा है डिजाइन में डबल क्रोशिया वहीं से मैं डिजाइन को निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 3 बार मैं ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट की हूँ। देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं 10 बनाई हूँ डबल क्रोशिया तो यहाँ पर मैं 9 बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 2 अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया ये दूसरा डबल क्रोशिया इस तरीके से मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए पूरा लाइन को मैं कंप्लीट करके यहाँ पर 9 मैं कंप्लीट की हूँ। तो देखिए अब इस तरीके से अब फिर से मैं डिजाइन को यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 फिर से मैं लॉक कर दी। अब यहाँ पर फिर
फिर से 6 बार डबल कुर्सियाँ मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए 6 बार और 3 चेन और फिर से यहाँ पर 6 बार डबल कुर्सियाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए दोनों तरफ और बीच में 3 चेन डिजाइन निकालने के लिए मैं 3 चेन बना दी हूँ। देखिए यहाँ से फिर से डिजाइन निकलेगा इस तरीके का। तो अब मैं देखिए यहाँ पर अब देखिए बना दी हूँ। अब मैं फिर से अगले लाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से डिजाइन निकाल रही हूँ 3 चेन बनाकर इसमें लॉक कर दे रही हूँ और यहाँ पर फिर से 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया 2 चेन बनाकर और बीच में डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दे रही हूँ यहाँ पर और 1 2 इस तरीके से 1 इस तरीके से 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए 5 मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट की थी। अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया और 2 चेन और यहाँ से फिर से एक डिजाइन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ और 2 चेन देखिए और फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया। और 1 2 और फिर से देखिए 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस तरीके से 1 2 और फिर से यहाँ पर 5 बार 1 देखिए पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए पहले मैं 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ पर एक नोक बनाऊंगी डिजाइन निकालने के लिए। तो 1 2 और फिर से यहाँ पर 1 और 3 डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर इस तरीके से और 1 2 और फिर से यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशिया मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बीच में डिजाइन निकालने के लिए नोक में बना दी बेस तैयार कर दी। अब मैं 5 बनाई थी तो 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर देखिए फिर से किनारे पर भी एक डिजाइन और बीच में भी एक डिजाइन को नोक इस तरह से बनाकर मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बना दी हूँ एक यहाँ पे डिजाइन निकलेगा और यहाँ पे 3 और यहाँ पर बीच में भी एक निकलेगा डिजाइन और फिर इधर भी एक डिजाइन यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकलेगा। तो देखिए मैं अब फिर से इस तरीके का बनेगा ऊपर 3। तो देखिए इस तरीके से इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और पूरा मैं तोरण को बुन दी हूँ इसी तरीके से। देखिए अब मैं दोनों तरफ के तोरण को इसी तरीके से बुन ली हूँ। अब मैं ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ। ये मैं नीचे की तरफ से बुनी थी तोरण को तो मैं अब तोरण पट्टी में ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ लॉक करके कि ये कैसे इसमें अटैच मैं की हूँ। तो देखिए अब मैं अटैच करके इसमें दिखा रही हूँ। तो अटैच करना बहुत ही ईजी है। आप चाहें तो सुई धागे से भी अटैच कर सकती हैं। मैं कुरुस से ही कर दी हूँ इसे। तो आप जिस तरह आपको आसान दिखे आसान लगे उस तरीके से आप इसे अटैच कर सकती हैं या इस तरीके से भी बहुत ही ईजी है। सिंगल क्रोशिया से मैं बनाई हूँ इसे देखिए इस तरीके से। इस तरीके से मैं पूरे तोरण को लॉक कर दे रही हूँ। देखिए पूरे तोरण को मैं लॉक कर दी हूँ
और दोनों तरफ झालर लगा दी हूँ। अब मैं झालर को लगा कर दिखा रही हूँ कि मैं झालर कैसे लगाई हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इतना छोड़ी हूँ झालर दिखाने के लिए। तो देखिए मैं अब झालर को बना कर दिखा रही हूँ कि झालर को मैं कैसे बनाई हूँ। तो देखिए इस तरह अपने चार उंगलियों में 30 बार धागे को लपेटती हूँ और इस तरीके से धागे को घुमाकर और दो गांठ मैं बांधती हूँ, दो गांठ से इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से कैंची के मदद से इसे कट कर दी हूँ धागे को, और सुई के मदद से देखिए यहाँ पर बना दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए काउंट कर रही हूँ 1 2 3 1 2 3 4 4 6 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी में 4 बार काउंट करके और एक एक मैं झालर को लगा दी हूँ। आप चाहें तो इसे नज़दीक या दूर भी लगा सकती हैं। तो मैं इस इतने दूर देखिए फ्रेंड्स, इस तोरण को मैं बहुत ही इजी तरीके से बताई हूँ। आप बहुत ही इजीली इस तोरण को बना सकती हैं। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।